बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। बढ़ते हैं एक और वॉइस मैसेज की जानिब, देखते हैं ये कौन साहब हैं। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम वाक साहब, डॉक्टर साहब, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठीक है हूँ। ठीक सर, मैं मोहम्मद जाहिद बात कर रहा हूँ चिश्तिया से। पहले जी, मेरी आपसे बात हुई थी तो मैंने काफ के बारे में आपसे पूछा था, जो मुखान चूसते थे, तो हाँ जी डवर्मिंग भी उनकी की हुई थी। आपसे बहुत हुई थी ना, एवरमेक्टन लगाया था हम लोगों ने, ठीक। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपसे काफी बेहतर हैं। अच्छा ठीक ये हो गया। एवरमेक्टन हम लोगों ने उसको 25 तारीख को लगाया था, तो हाँ आज तकरीबन 8-9 दिन हो गए हैं। हाँ हाँ नहीं ठीक हो तो जाएगा अभी इंशाल्लाह। ना एक दो हैं उनमें जो अभी थोड़ी थोड़ी हरकत करते हैं, यानी कान फटते हैं, बाकी सारे ठीक हो गए। तो सर अच्छा इनको प्लीज मुझे आगे नेक्स्ट गाइडेंस दें कि इनकी जो डवर्मिंग है हाँ वो फरवरी के लास्ट में कर दूं, इनकी डवर्मिंग जो है ओरल डवर्मिंग, हाँ तो बिल्कुल प्लीज इसके बारे में मुझे बताना जरा। जो जो ठीक। एक दो हैं जो चूस रहे हैं हाँ खाने, वो उनकी डवर्मिंग करूं या स्टिल अभी वेट करें? और ये जो एवरमेक्टन इंजेक्शन है, इसका जो है असर 10 दिन में होता है, 15 दिन में होता है, कितने दिन में उसका अंबली मोटा जाता है उसका ऊपर? सर ये मेहरबानी आपकी, मशवरा दें इसके लिए। अच्छा सर, दूसरी बात यह कि मैंने थोड़े दिन पहले आपसे वो भैंस के लिए मशवरा भी किया था, तो हाँ जी, आपने कहा था कि उसको दूध और शहद दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी शुक्र है अल्लाह का और ठीक सब है। नॉर्मल तो टेम्परेचर था मैं बोला आपको बता दूं, तो मुझे जिसका। फायदा हो रहा है आपसे, आपके मशवरे से। चले तो आपको भी पता होना चाहिए कि मेरे मशवरे जो है वो सही हो रहे हैं कि नहीं सही ठीक हो रहे। देखो फीड, इसका मतलब फीडबैक देने के लिए, है। वेरी गुड उसका वेरी फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, गुड तो मैं आपसे इंशाल्लाह और भी मशवरा करता रहूंगा, वेरी तो प्लीज गाइडेंस देते रहे साथ साथ में। मेरी जान बहुत खुशी हुई है। वो जो भैंस मैंने ऊपर लिखा ही वैसे आपका ये है कि भैंस टेम्परेचर सब नॉर्मल, वो थोड़ा जैसे त्रोड़ बना के आपको कहा था और शायद मिला के और कहा था इसको दें, और वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि वो ठीक हो गई। अब ये है मेरी जान, ये भी ठीक हो जाएंगे। इनको लगता है कि एवरमेक्टिन एक दफा फिर लगाना पड़ेगा, कुछ सही लगे नहीं है, क्योंकि इसका तो फौरन इसका ये जो होता है ना असर होता है फौरन, चिचड़ विचड़ सारे और दूसरे जितने भी होते हैं ना इसके एक्टो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट दोनों अंदरूनी और बैरूनी किरम सारे खत्म होते हैं। लेकिन एक दफा फिर बिस्मिल्लाह करके लगा दें, नहीं है तो चुप करके अल्लाह का नाम लेकिन सबकी डीवर्मिंग कर दें, थंडर के साथ कर दें या नोल सोलोजान से कर लें, जो भी आपके पास अवेलेबल है अच्छा सा है, नीलवर्म से कर सकते हैं, लेकिन है कि थंडर आजकल बड़ा इन है, आप उसके कर दें बिस्मिल्लाह करके, अल्लाह फजल करेगा, दुआ करूंगा ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अल्लाह फजल करेगा। और इनको इनको कौमी कैल्सी विट भी दें, ये बॉडी वेट के हिसाब से होता है। अगर कोई से के 50 ग्राम का 50 किलोग्राम का जो हो तो उसको कम से कम 20-30 ग्राम दे दें, बल्कि 50 किलोग्राम को 50 ग्राम ही दे दें बिस्मिल्लाह करके, डीसीपी पाउडर या ये जो होता है कौमी कैल्सी वेट या रिमोफास मिलेगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।